जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स को समझने के बाद हम अपने स्वास्थ्य के बारे में समझ सकते हैं, साथ ही साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या तो उनका जो फेवरेट क्वेश्चन होता है, मतलब मस्त क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं विटामिन से रिलेटेड, उनको भी देखेंगे क्लियरली रूप से, अच्छा से देखते हैं। विटामिन के सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि विटामिन का नामकरण फंक ने की थी। विटामिन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? विट बोलते हैं। जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ये समझ लेना पड़ेगा कि विटामिन का हमारे स्वास्थ्य में रोल क्या है। तो हम ये बता देते हैं साफ सुथरी बात कि विटामिन डज नॉट प्रोवाइड यस एनर्जी, इट ओनली रेगुलेट्स आवर बॉडी। ये सिर्फ हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है, एनर्जी प्रदान नहीं करता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर को ये ऊर्जा देती ही नहीं। आप देखे होंगे कि एक कोई मशीन वगैरह देखेंगे, मशीन में धान कूटने वाला मशीन ले लीजिए, उसमें देखोगे डीजल वगैरह डालते हैं तो मस्त आपका धान उन कुटाता है, यानी डीजल डालते हैं एनर्जी मिल जाता है। लेकिन आप देखेंगे पानियों डालते हैं, पानी का काम जो होता है ना, होता है मशीन के पार्ट्स को जो है वो एकदम कंट्रोल रख सके, गर्म ना होने दे, ठंडा बना के रखे, अच्छा बना के रखे। उसी तरह विटामिन्स का हमारे शरीर में रोल है। विटामिन्स हमारे शरीर में हमें ऊर्जा ना देकर हमारे टिश्यूज को, जो हमारे ऊतक होते हैं शरीर में, उस स्वस्थ बनाए रखने के, हेल्दी बनाए रखने का विटामिन्स हम काम करते हैं। यानी शरीर के सभी ऊतकों को स्वस्थ रखने का काम किसका है? विटामिन्स का काम है। लीजिए, इसी से एक रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है, पूछता है इनमें से किससे हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। ऑप्शन चार को डाल देता है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। अब बताइए कौन होगा? सिंपल सी बात, विटामिन। अच्छा, जब विटामिन को गौर से देखा गया, गौर से देखने का मतलब है ध्यान से जब देखा गया तो पाया गया ना कि विटामिन के अलग अलग फरमाइश हैं। कुछ विटामिन पानी में घुल जाते हैं तो कुछ विटामिन वसा में घुल जाते हैं। यानी विटामिन दो प्रकार में बट गया, एक तो देखा गया कि कोई कुछ विटामिन जो है वाटर सोल्यूबल थे और कुछ विटामिन फैट सोल्यूबल थे। कुछ विटामिन जल में घुल जाते हैं और कुछ विटामिन वसा में घुल जाते हैं। जो विटामिन जल में घुल जाते हैं वो विटामिन बी और विटामिन सी है, और जो फैट में घुल जाते हैं यानी वसा में जो घुले, वसा घुलनशील जो होते हैं वो है विटामिन ए, डी, ई, के। तो विटामिन बी और सी जो है पानी के साथ घुल गया, यानी कि पानी के साथ बाहर भी चला जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि बी और सी को हम स्टोर करके न रख पाएंगे। पानी पिए, विटामिन लिए, पानी निकाले, यानी जैसे ही हम लोग पेशाब कर दिए विटामिन भी साफ हो गया, लेकिन विटामिन ए, डी, ई के शरीर में जाके, ऊतकों में जाके स्टोर हो जाएगा। यानी पूछा जाए, यानी कि कहा जाए तो फैट सोल्यूबल को हम लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वाटर सोल्यूबल यानी विटामिन बी और सी को स्टोर नहीं कर सकते। इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फेवरेट क्वेश्चन बना लिया। कुछ पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो है, इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुल जाता है, ऑप्शन दिया रहेगा, तो यहां से इसका फेवरेट क्वेश्चन बनता है। अगले पार्ट में हम सभी विटामिन्स को अलग अलग करके देखेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सब करेंगे, किसमें विटामिन्स पाए जाएंगे, उनका साइंटिफिक नाम क्या होगा, जल्द ही वीडियो अपलोड की जाएगी। धन्यवाद।